मोनोपोली नहीं खत्म नहीं होगी। हाँ सीताराम जी, देखिए ये कांग्रेस सरकार नहीं है, जो तुगलक की सरकार नहीं, युवा तो खुश हो रहे होंगे ना कि आप मुझे भी मौका मिलने वाला है। खुश होना चाहिए, ये कह रहे हैं जब हार बढ़ गया तो ज्यादा लोग चाहेंगे। विकास होगा सर, ज्यादा पार्षद होने से विकास नहीं होता, विकास तो नगर निगम में जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसी से विकास होगा। ये तो गली गली में पार्षद एक एक कार्यकर्ता को छोटा छोटा पार्षद बना के छोड़ देंगे, इससे कुछ नहीं होगा। आए दिन सरकार अपने निर्णय बदल रही है, इससे जनता में भ्रामक स्थिति पैदा हो गई है। रेवेन्यू की बात हो रही है बार-बार में, ये भारत में चुन जाएगा सर जी, इसे कोई नहीं होगा, बल्कि जनता में भ्रामक स्थिति है। रिजर्व बैंक का 1.30 लाख करोड़ रूपया रिजर्व बैंक से ले लिया जाता है, जबकि वो इमरजेंसी में काम आना देश की सेविंग थी उसमें, और ये 1.75 लेकर कॉर्पोरेट को बांट दिया गया। देश के काम आ रही है, फिकर कहां से होगी आप लोगों को? कांग्रेस की तरह नहीं है, जो कहां फिकर है आपको बुलाई लेने की? इकोनॉमी की व्यवस्था डाउन हो रही है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल गर्त में जा रही है। आपके साथ मनोज जी भी जुड़ गए, मनोज जी के पास आऊंगा मैं। पहले परिसीमन के ऊपर विवाद हुआ, वार्डों के परिसीमन को लेकर, उसके बाद फिर प्रत्यक्ष होगा अप्रत्यक्ष होगा इसको लेकर बड़ा डाउट हुआ, फिर हाइब्रिड वाला लागू हो गया, फिर एक और ये दो दो मेयर वाला सिस्टम आज घोषणा हो गई। क्या लगता है आपको, सरकार निर्णय नहीं कर पा रही कि किस तरह से चुनाव करवाने हैं, किस तरह से लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होने हैं, किस तरह से गठन होना है, क्या लगता है आपको? एज ए डिप्टी मेयर और आपने मेयर के रूप में भी काम किया, और दो मेयर जब बनेंगे तो कितनी घटनाएँ आने वाली है? देखिए ये सरकार शुरू से ही कन्फ्यूजन में है कि जब इन्होंने इनकी सरकार आई तो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि प्रत्यक्ष प्रणाली से हम चुनाव कराएंगे। 30 जनवरी को ये विधेयक लेकर आए विधानसभा में, उसको पारित किया, और पारित करने के बाद इन्होंने ये नियम बनाया कि महापौर के चुनाव और जो निकाय प्रमुख के चुनाव हम सीधे कराएंगे। अचानक जब इनको लगने लगा कि पूरे देश में एक राष्ट्रवाद की हवा चली है, पूरा देश एक सुर में कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने जा रहा है, तो इन्होंने अपने ही विधानसभा में लाए विधेयक को चेंज किया, इसको रिवोक किया, और कैबिनेट की बैठक में, विधानसभा में लेकर नहीं आए रिवोक करने के लिए भी, कैबिनेट की बैठक में। और आज मैं भी टीवी पर देख रहा था, आपके चैनल पर देख रहा था कि डिप्टी सीएम को इस फैसले की जानकारी भी नहीं है। तो जहां मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री में झगड़े चल रहे हो अंदर, और आज के अखबारों में देखा मैंने कि इनके दो दो कैबिनेट के मंत्री इनके फैसले का विरोध कर रहे हैं, तो ये सरकार क्या करना चाह रही है? रोज़ एक नया एक फैसला, जिसे हम कहें कि बिल्कुल तुर्कमानी फैसला जिसे कहते हैं कि सर जो थोपा जाता है, वो फैसला रोज़ एक नया लेकर आ रही है, फिर लगता है कि हमारा विरोध हो रहा है, हम फिर भी हारेंगे। मैं कहूँ ये इकराने वार्ड के 150 वार्ड क्या 200 वार्ड कर ले, 250 वार्ड कर ले, 300 वार्ड कर ले, मुख्यमंत्री और यूडीएस मंत्री इस निर्णय को जनता हित में बता रहे हैं। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रत्यक्ष करा ले, अप्रत्यक्ष करा ले, कोई हाइब्रिड कोई नया तरीका लेकर आ जाए, बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बनने वाला है, चाहे 300 वार्ड कर ले, 500 वार्ड कर ले, 500 के 500 पार्षद बीजेपी के आने वाले हैं, कुछ भी तरीका अपना ले, ये बहुमत बीजेपी का होगा, बोर्ड बीजेपी का बनेगा। अब वार्डों की जो आप सीमा रखेंगे वो क्या सीमा रखेंगे, इसका कितना बोझ रेवेन्यू पर पड़ेगा, रेवेन्यू जनरेशन का क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र होता है। हमारे यहाँ आज भी जो है आप देखें कि शहर के बिल्डिंग वैल्यूज अलग हैं, बाहर के अलग वैल्यूज हैं, नए वैल्यूज बनेंगे, नई अधिकारी कर्मचारी लगाने पड़ेंगे, सफाई कर्मचारी लगाने पड़ेंगे, रेवेन्यू के लोग आपको लगाने पड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर लगाने पड़ेंगे। ये बिल्कुल सही बात है, तो आप कहाँ से लाएंगे? एक टाउन हॉल है जिसमें हो सकता है नगर निगम शुरू हो जाए, तो हेरिटेज विधानसभा। आज 10 साल से आप देखिए जयपुर का जो पुराना परकोटा है उसके अंदर सरकारें जा ही नहीं पा रही वहाँ पे, और वहाँ पे संदेह होगा कि जो हेरिटेज जो नगर निगम होगा उसका, नगर निगम का जो भी मेयर होगा, क्या वास्तव में वो उधर से होगा या इधर से चला जाएगा? ये भी तो बड़ी संदेह की बात है ना कि ये लाएंगे कहाँ से, हाईब्रिड जो मेयर है हाईब्रिड का उत्पादन कहाँ से होगा, ये देखने वाली बात है। वो कोई रसूखदार होगा या किसी नेता का पुत्र होगा या कोई नया ही उत्तराधिकारी बना करके लाएंगे, वो एक बड़ी बात रहेगी। और आज हेरिटेज का विकास होता है तो इसका तो स्वागत होना चाहिए, लेकिन बात यही आ रही है कि सरकार की मंशा में, करनी में, कथनी में बड़ा लोगों को भ्रामकता फैलाई जा रही है, और उसमें लोगों को कहीं ना कहीं संदेह जो है लोग व्यक्त कर रहे हैं। तो आपने एक मजाक बना करके लोकतंत्र को रख दिया है, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। जयपुर की जनता तो कहीं ना कहीं मजाक की बात, तो सर मैं बहुत साफ बात करना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल से जो देखने में आ रहा है, चाहे शासन बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस को, इनको नहीं है चिंता और अपशगुन की, इनको नहीं है चिंता और अपशगुन की, इनको नहीं चिंता सीवरेज और नालों की सफाई की, इनको नहीं चिंता बीमारी फैल रही फॉगिंग करने की। आप जाके देखिए जगह जगह स्टैंड है, वहाँ पे टिकट के ऊपर पैसा नहीं लिखा रहता है, जनता से मन मांगी रोट के पैसे लेते हैं और ठगते हैं उनको। मैं कांग्रेस ही हूँ लेकिन इनको भी ये कहना चाहता हूँ, ये बिलबिला रहे हैं,
खिलबिला रहे हैं कि हमारा क्या होगा, ये कार्यकर्ताओं की वैल्यू तो करते नहीं है। गहलोत साहब और गहलोत सरकार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की वैल्यू करी है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की वैल्यू करी है इन्होंने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की वैल्यू करी है इन्होंने। फिर उसके बाद 250 पार्षद बनाए। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, पार्षद का काम एक काम होता है, भामाशाह कार्ड बनवाना, भामाशाह कार्ड बनवाना, विधवा पेंशन बनवाना, पार्षद का काम होता है भामाशाह कार्ड बनवाना, विधवा पेंशन बनवाना और इस प्रकार से। लेकिन मुख्यमंत्री आज विरोध कर रहा है इसका, आप सर्कुलेशन से हो जाते हैं बहुत सारे निर्णय, सर्कुलेशन से होता है। बिल्कुल बौखला चुकी है, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आपको तो दिखता है बौखला चुकी है, आप हमारे भविष्य निधि के मतदाताओं के बीच में जाइए, उस मजदूर से पूछिए जो करनी चलाने जाता है, जीएसटी के ग्राफ को देखिए, जीडीपी के ग्राफ को देखिए। आप भविष्य लिख रहे हो हमारा, आप कौन होते हो हमारा भविष्य लिखने वाले? आप कह रहे हैं कि मैं कांग्रेसी हूं, एकमात्र सब में कांग्रेसी आवाज आप बने हुए हैं, लेकिन ये सारे कांग्रेसी कहां गायब हो गए? क्यों नहीं जवाब देते इस सारी चीज का, सारे प्रश्न का, जनता की आवाज का जवाब क्यों नहीं देते? कांग्रेस क्या, कांग्रेस तो जिंदगी पर है, 80 साल से कांग्रेस। ये तो कल आए, ये कल आए, ये तो ये पैसे, ये 10 बीजेपी का पार्षद, 20 लाख की गाड़ी बीजेपी के मार, 50 लाख के पास कैसे गाड़ी? क्या भ्रष्टाचार पनपेगा या नहीं पनपेगा? सर देख लीजिए आप, रहा चलता इंसान भी भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल गया। हम इसी मंच का स्वागत करते हैं, बिल्कुल रहा चलता इंसान भारतीय जनता पार्टी की। ये कांग्रेस वही कांग्रेस है जिसने आजादी दिलवाई। क्या एक वो जो जनता की आवाज जिसको हम कह रहे हैं आम जन, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न छोड़ गया है कि क्या वास्तव में इस सारे घटनाक्रम से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा? पैसे देंगे, मेयर मुझे बनाना, मेरा काम करवाना, छोटी छोटी जगह पे पैसा देना पड़ेगा लोगों को, ये क्वेश्चन उठा के गए। वो भाजपा पे या कांग्रेस पे नहीं उठा के गए, वो व्यवस्था पे उठा के गए। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने प्रत्यक्ष प्रणाली का चुनाव करने का एक उन्होंने आधार बताया कि अप्रत्यक्ष रूप से जब चुनाव करते हॉर्स ट्रेडिंग होती है, खरीद फरोख्त होती है, और प्रत्यक्ष चुनाव कराने से ये सब बंद हो जाता है और जातिवाद नहीं फैलता, ये उनका आधार था। ये आधार मान के विधेयक लेकर आए, उसको पास करवाया। अब अचानक 6 महीने में क्या हो गया कि वो हॉर्स ट्रेडिंग भी गायब हो गई, जो करप्शन होता था वो भी गायब हो गया, पैसे का लेन देन भी गायब हो गया, जातिवाद भी गायब हो गया, और दोबारा प्रत्यक्ष लेके आ गए। वो क्या अप्रत्यक्ष लेके आ गए? अब जब भी उनको लगा, उनका सर्वे हुआ कि हम तो हार रहे हैं, वही राजस्थान में हार रहे हैं, तो उन्होंने फिर एक नया फरमान निकाला कि साहब मेयर का जो व्यक्ति होगा इसका उम्मीदवार, उसको पार्षद होने की आवश्यकता नहीं है, यानी जनता द्वारा उसको चुनने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? कोई धन कुबेर को ढूंढेंगे ये महेश जी, उसको ढूंढेंगे। भारतीय जनता पार्टी में विदेश मंत्री छारावा, भैया थोड़ा बात सुनो यार, सुनने की क्षमता रखो यार, अरे सुनने की क्षमता रखो ना, अरे सुनने की क्षमता रखो ना, इनका वित्त मंत्री छारावा जिसको जनता ने ठुकरा दिया, जो है बात पूरी करनी। जैसे आपने कहा कि सब 3 शहरों को विकास की आवश्यकता है, पूरे राजस्थान को विकास की आवश्यकता नहीं है, 3 शहरों में क्यों किया इन्होंने ऐसा? तो एक हो सकता है कुछ ही नए और आदेश भी ऐसे आ सकते हैं। तुगलक की फरमान है ये, कि सरकार क्या चाहती है, सरकार का एक मंत्री आदेश करता है और मंत्री इसका विरोध करते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा है। बदलाव किया जा रहा है, आम जन में ये कंफ्यूजन है कि आखिर नवंबर तक या उसके बाद अगस्त 2020 तक जो चुनाव होने हैं तब तक और कितने निर्णय बदले जाएंगे, और स्थानीय निकायों की जो स्वरूप होगा वो किस तरह का होगा, सरकार को या संगठन के किसी भी बड़े पदाधिकारी को आकर इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर सरकार किस तरह के स्थानीय निकाय चाहती हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही, अगले एपिसोड में फिर किसी विषय पर बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। महिला स्वयं सहायता समूह का कमाल, चौपाल राजीविका स्टोर, एक बार आकर तो देखिए। बाड़मेर का सुप्रसिद्ध कांथावर, एप्लिकवर, राजसमंद का गुलाब शरबत एवं गुलकंद, बीकानेरी भुजिया।